अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्तियाक है और ये है कंसोल टैक। आज की वीडियो मेरी है प्ले स्टेशन 4 में 11,000 सीरीज़ के अंदर आप फ़ैन को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आपका फ़ैन वो ख़राब है तो उसको आप ठीक कर भी सकते हैं या आपको नया लगाना पड़ेगा। तो इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स सी, आज आपको प्ले स्टेशन 4 का मैं फ़ैन रिप्लेस करने का तरीका बताता हूँ। तो आए हम चलते हैं कमरे की तरफ, और ये प्ले स्टेशन 4 है और इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है ताकि वीडियो शॉर्टकट बने और टाइम भी आप लोगों के पास भी कम होता है। तो प्ले स्टेशन 4 ओपन किया मैंने, इसकी पावर सप्लाई लगाई। आपको मैं चेक कराता हूँ कि इसका फ़ैन ख़राब है। पावर केबल लगाई मैंने, और मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, ये ऑन हो गया और ये जैक लगा हुआ है और फ़ैन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग। हाउ टू रिप्लेस न्यू फैन, ओके लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द पावर कोड जैक, पुश टॉप एरिया, रिमूव द जैक, आफ्टर द पुश द पावर कोड ड्राइव, दिस टू जैक रिमूव। मैंने पहले ही से इसके सारे स्क्रू ओपन कर दिए हैं लेकिन ये एक स्क्रू नहीं ओपन किया। इसको मैं खोलता हूँ और ये मैं इसको ये वाला भी स्क्रू मुझे उतारना होगा। ये मैंने जैक उतार ऊपर वाला क्लिप उतारा। फैन जैक रिमूव टॉप एरिया, पुश द टॉप एंड रिमूव द मदरबोर्ड, ओके। यहाँ पर तीन पेज लगे हैं, ये मैंने ओपन करने हैं। ये है जी हमारा फ़ैन जो कि ख़राब हो चुका है। ये दो पेज ओपन करके ये वाला जो हमारा है फ़ैन, इसको हम साइड पे करेंगे और एक नया फ़ैन लेंगे जो मैंने किसी और PS4 से निकाला है। आप इंटरनेट से भी कहीं से भी ले सकते हैं और किसी शॉपकीपर से भी ले सकते हैं। अगर आपको फ़ैन चाहिए हो तो आप मेरे से भी रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा अनदर फ़ैन है जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। बहुत सिंपल है और नहायत ही आसान तरीका है। ये दो स्क्रू लगाएं आप, सारे फ़ैन मोस्टली ठीक नहीं हो पाते तो इसलिए फ़ैन रिप्लेस करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप फ़ैन वो रिपेयर करवा भी लेंगे तो कुछ दिनों के बाद वो फिर ख़राब हो जाएगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़ैन ही आप हमेशा चेंज करें। ये 1100 सीरीज़ में फ़ैन रिप्लेस करने का मेथड आज आपको मैंने बताया है, बहुत सिंपल है। ये क्लिप लग गई, ये तीन स्क्रू लगने के बाद मदरबोर्ड में लगाऊंगा और मैं ये फ़ैन का जैक लगाऊंगा। टॉप कवर में लगा के आपको मैं चेक करता हूँ। बेहतर है कि आप बॉर्डर पे आप एक एक स्क्रू लगा लें ताकि जो टॉप शील्ड है वो मूव ना हो सके, ताकि आपका मदरबोर्ड शॉर्ट ना हो जाए। तो बेहतर है कि आप इसके मैक्सिमम स्क्रू लगा लें और टोटल सेफ हो जाए। ठीक है, ये मैं इसके प्रोसेसर के क्लिप लगाता हूँ APU के,
ताकि ये सिस्टम हीटअप ना हो। बेसिकली वीडियो ये न्यू यूज़र के लिए, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि जी इसका फ़ैन जो चेंज करने का तरीका बता दें, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है ताकि आप, है तो बहुत आसान लेकिन हमारे लिए तो ये आसान है लेकिन लोगों के लिए शायद मुश्किल भी था, नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ती है। तो मेरी वीडियो ज़्यादातर नोब यूज़र के लिए होती है, पाकिस्तान में, इंडिया में। मुझे 3-4 ईमेल आई थी कि फ़ैन चेंज कैसे होता है, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना देता हूँ और आपको गाइड कर देता हूँ। ले जी हमारा हो गया, अब हम इसके जैक लगाएंगे। आपको मैं जैक ज़रा करीब से दिखा देता हूँ। इस तरीके से जैक लगेंगे, 1-2 ड्राइव के जैक हैं और 1 पावर कोर्ड का जैक है, ठीक है। पावर सप्लाई लगा के इसके मैं जैक पावर सप्लाई को लगाता हूँ। इस साइड पे 5 वोल्ट का होता है और इस साइड पे 12 वोल्ट का जैक होता है। तो जी हमारा काम हो गया है कंप्लीट। पावर मैं लगाता हूँ PS4 को और आपको चेक कराता हूँ। मैं पुश करता हूँ, ये हमारा सिस्टम ब्लू लाइट पे चला गया है और ये देखें हमारा फ़ैन वर्क कर रहा है, तो सक्सेसफुल हो गया है हमारा काम। उम्मीद है कि आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के मुतालिक आप मुझसे कोई सवाल जो आप कर सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए मुझसे, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में आप मुझे लिखें और मैं आगे वीडियो उसी ही बनाऊँगा ताकि आपको मैं मज़ीद गाइड कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।